उंगराव घाटी खेल कूद प्रोत्साहन समिति पांखो के द्वारा पांखो में मैराथन का आयोजन किया गया। इस मौके पर बतौर मुख्य अतिथि विधायक मीना गंगोला ने कहा कि पांखो क्षेत्र खेल में लगातार क्षेत्र का नाम रोशन कर रहा है, भविष्य में इसे खेल का हब बनाया जाएगा। यहां पर सरकार और अपनी ओर से खेल की सुविधाएं दी जाएंगी। उन्होंने विभिन्न वर्गों में विजेता प्रतियोगियों को पुरस्कार और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। विभिन्न वर्गों की सभी दौड़ों में अधिक छात्र छात्राओं ने प्रतिभाग किया। इस मौके पर सभी वर्ग में 10वें स्थान आने वाले प्रतिभागियों को पुरस्कार और प्रमाण पत्र वितरित किए गए। इससे पूर्व प्रोत्साहन समिति के अध्यक्ष प्रवीण कार्की ने कहा कि खेलकूद प्रोत्साहन समिति का उद्देश्य समय समय पर यहां की खेल प्रतिभाओं को मंच देने के साथ उनको खेलों के प्रति जागरूक करना है। इससे पूर्व पिछले वर्षों में पांखो क्षेत्र के कई प्रतिभागियों ने राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन कर चुके हैं। प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए पिथौरागढ़, डीडी हाट, बागेश्वर, गंगोली हाट, रानीखेत, अल्मोड़ा, बागेश्वर सहित कई स्थानों से प्रतिभागी पहुंचे थे। लाइव उत्तराखंड के लिए बेरीनाग से प्रदीप महरा की रिपोर्ट। मेरे विधानसभा क्षेत्र के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। युवाओं को आगे बढ़ाने की खेल प्रतियोगिता में भाग लेने का सौभाग्य मिल रहा है, उसके लिए हम भी जो मेरी तरफ से भी जो भी होगा सहयोग, मैं भी खिलाड़ियों के साथ हूँ, हमेशा साथ रहूंगी और आगे जैसे भी आगे बढ़े उसके लिए पूरा सहयोग करूंगी। उत्तराखंड की हर खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें लाइव उत्तराखंड और बेल आइकन दबाना ना भूलें।